नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय पर अपने निजी स्टाफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग आसन और प्राणायाम किया। इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि वैसे तो संपूर्ण विश्व में योग पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन योग नगरी ऋषिकेश में योग का प्राचीन काल से अलग ही महत्व रहा है। तो योग रहो निरोग, ये अवधारणा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जब कोरोना के कार्यकाल में जो लोग योग के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, उन्होंने भी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके, उसमें बिल्कुल योग में स्पष्ट है कि हम लोग योग करेंगे तो उसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से अनेकों रोगों का उपचार भी योग के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम पूरे आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने पूरे विश्व स्तर को इस विधा को हमारे जो प्राचीन विधा हमारी देश की है उसे पहुँचाया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम 21 जून को मनाते हैं। मैं इसकी सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ और फिर से एक अनुरोध कर रहा हूँ, करो योग रहो निरोग। भारत सहित दुनिया भर में आज योग दिवस को त्योहार के तौर पर मनाया गया। योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है, इसीलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। योग दिवस की शुरुआत सुबह 5 बजे से योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के द्वारा शंखनाद करके की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव के द्वारा योग के गुण और महत्व को बड़े ही सहज भाव से समझाया गया। योग दिवस पर जिसको समर्पित किया है योगा फॉर वेलनेस के लिए, इस पर हम देश और दुनिया को एक सौगात ये दे रहे हैं कि हम योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने जड़ों से जुड़ते हुए और जड़ों तक जाते हुए रोगों को जड़मूल से मिटा सकें, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो जेनेटिक या इनकेरेबल कितने ही जटिल समस्याएं हो, रोग हो, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए पहले चरण में भारत में 1,000, फिर 10,000, फिर पूरी दुनिया के 200 देशों में कम से कम 1,00,000 से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस के सेंटर खोलेंगे। इस बार योगा फॉर वेलनेस के साथ ही पतंजलि की सौगात होगी पूरी दुनिया को। खबर बहादुराबाद से है, जहां पर सलेमपुर में 21 जून के दिन सोमवार को कोतवाली रानीपुर के क्षेत्र ग्राम सलेमपुर में गौ तस्करों के द्वारा ग्रामीण के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक फुरकान निवासी सलेमपुर के द्वारा सलेमपुर में गौकशी किए जाने और गौ तस्करों के द्वारा चमड़ा लेने आए ट्रक के द्वारा मकान में चक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित शिकायतकर्ता का कहना है कि गौ तस्करों का विरोध किया गया तो उनके द्वारा मारपीट की गई, जिसके चलते स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि गौ तस्कर बार बार हावी होते रहते हैं। मामला है भाई साहब, सुबह आकर जो मेरे घर में जो मेरे छत्तीस में टक्कर मारी मकान में, आकर मेरा घर गिर जाता पूरा। मैंने आकर इस चीज़ का विरोध करा, ये गाड़ी जो चमड़े भरना आई थी, यहाँ गाँव कसी हो भाई साहब, गए के चमड़े भरे जाए यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई मौके पर, गाड़ी की फाइल लेकर गई पुलिस। अब ये गाड़ी लेकर जा रहे, गाड़ी हटा रहे यहाँ से मौके पर। भादरबाद के ग्राम सलेमपुर में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के ब्लॉक अध्यक्ष राव असलम के निजी निवास पर एक बैठक नवोदय नगर में की गई। बता दें कि 18 जून के दिन शुक्रवार को नवोदय नगर के वार्ड नंबर 13 में बनाए गए मदरसे में चल रही मस्जिद को प्रशासन ने कुछ संगठनों और स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर सील कर दिया था। आज उसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी ने सलेमपुर में हुई बैठक में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा है कि 2 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, अगर 2 दिन के अंदर सील की गई मस्जिद को नहीं खोला गया तो भारतीय किसान यूनियन अंबावता शासन प्रशासन का घेराव करेगी। शासन प्रशासन जो भाजपा बजरंग दल आरएसएस के दबाव में आकर एक हमारे वर्ग को जो परेशान करने में लगा हुआ है, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए उसके बीच में विकास सिंह सैनी, विनोद प्रजापति जी और भारतीय किसान यूनियन हिमालय पर्वत बढ़कर इनके बीच में खड़ी, और जल्दी उस मस्जिद को हम चेतावनी देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने नहीं खुलवाई तो भारतीय किसान यूनियन डीएम का भी घेराव करेगी, और देहरादून तक भी अगर घेराव करना पड़ा तो उसके लिए तैयार शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हल्द्वानी के कई क्षेत्रों में योग शिविर आयोजित किए गए। हल्द्वानी के खाटू श्याम मंदिर में आयोजित योग शिविर में सांसद अजय भट्ट ने भी शिरकत की। अजय भट्ट के अलावा बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरे विश्व में मान्यता दिलवाई है। भारत पहले भी जगत गुरु था और एक बार फिर उस ओर कदम बढ़ा रहा है। हम सभी को प्रतिदिन योग करना चाहिए क्योंकि योग से ही हम रोगों से दूर रह सकते हैं। हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारी अति प्राचीन विधा थी जिसके बल पर मनुष्य मात्र को स्वस्थ रहने की स्थिति हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व में पैदा की थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। कुछ ही लोग उसे कर पा रहे थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस अति प्राचीन विधा को विश्व स्तर पर परिचय कराया है। आज हम ही नहीं विश्व के वो लोग जो पहले हमारा एक किस्म से मखौल उड़ाते थे योग क्या है, देश नंग धड़ंग बाबाओं का देश है भारत को इस तरह से कई देशों ने मजाक बनाई, आज वो सब लोगों ने इस योग को अपनाया है। इस समय पूरा विश्व जिस तरह से हम योग कर रहे हैं उसी तरह से योगाभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं सारे विश्व के मानव मात्र ने अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोरोना काल से तो लगातार योग करना प्रारंभ कर दिया है और कई लोग तो पहले से भी इसको लगातार करने लगे थे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।